नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी न्यूज की बड़ी खबर मिल रही है जबलपुर से, जहां पर जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में लगी अचानक आग से 8 लोगों की मौके पर ही मौत हुई और कई लोग हताहत हैं। आपको बता दें कि जबलपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने से लगभग 8 से 10 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं, हताहत हैं। आग इतनी भयावह थी, इतनी तेज थी कि दमकल की कई गाड़ियों को इस आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संवेदना व्यक्त करते हुए परिजनों को सांत्वना दी है व इस पूरे मामले के कमिश्नर जांच के आदेश दिए हैं। ये एक न्यू लाइफ हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, 30-bedded हॉस्पिटल है। आज से ना मतलब एक आग घटना हुई है। अभी तक है ना एडमिनिस्ट्रेशन के पास है ना 8 लोगों का है ना डेथ होने का है ना खबर है। मेडिकल कॉलेज में हम लोग ने कन्फर्म किए थे, 2 लोग है ना ICU में थे और 3 लोग है ना मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती थे, उसके एक का डिस्चार्ज कर दिया, 2 और भी है ना ठीक है। एंड लगातार हम लोग है ना पेशेंट्स का सिचुएशन को भी है ना मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से मतलब है ना माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी बात हुई है, उनका भी है ना मतलब आर्थिक सहायता देने के लिए ना घोषणा किया। नहीं, वो तो इसका तो पूरा जांच करना पड़ेगा तभी है ना इसमें पता चलेगा। बट कहाँ तक है ना लोगों ने, आसपास के लोगों ने बताया कि जनरेटर्स में ना तरफ बस्ट हुआ है, मतलब है ना शॉर्ट सर्किट हुआ है टाइप का। बट वो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना हुई है। मैं लगातार प्रशासन के संपर्क में हूँ, चीफ सेक्रेटरी से भी बात कर रहा हूँ, कलेक्टर जिला प्रशासन से भी बात कर रहा हूँ। आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा चुका है। जो घायल हैं उनको दूसरे अस्पतालों में उपचार के लिए भेज के बेहतर उपचार की व्यवस्था की जा रही है। मैंने घटना की कमिश्नर जबलपुर को जांच के निर्देश दिए हैं, दुर्घटना के कारणों का भी पता करेंगे, दोषियों को दंडित भी करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारी प्राथमिकता है जो दुर्घटना में घायल हैं उनका ठीक से उपचार हो जाए। और इस दुखद घड़ी में मैं पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा हूँ, लगातार यहीं से संपर्क में हूँ पूरे प्रशासन के और राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ले रहा हूँ।